महाराष्ट्र में आए ताऊते तूफान ने लाखों लोगों की जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया है। इन्हीं में से एक है 90 साल की बुजुर्ग सुमन रणदिवे। जीवन के आखिरी दिनों को सुमन मुंबई से सटे वसई इलाके के एक वृद्धा आश्रम में गुजार रही हैं। ताऊते तूफान ने इस पूरे वृद्धा आश्रम को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ पर अन्य महिलाओं का रहना मुश्किल हो गया है। उनके खाने पीने की चीजें, सोने का बिस्तर, वृद्धा आश्रम की इमारत को तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ था। लेकिन सुमन ने इस मुसीबत को दूर करने के लिए अपने दो स्टूडेंट से मदद मांगी, जिन्हें उन्होंने कभी बचपन में स्कूल में पढ़ाया था। यह दोनों स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं और दूसरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। अपनी बुजुर्ग हो चुकी टीचर की एक आवाज पर दोनों भाइयों ने उनके लिए तत्काल मदद पहुंचाई। राज ठाकरे ने अपनी टीचर सुमन रणदिवे से फोन पर बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। एक मिनट बोला, राज से बोलते राजा। नमस्कार, मी सुमन ताई रणदिवे वसईहून बोलते। तुला तुमच्या घरी यायची माहिती ना, ट्यूशनला वगैरे काय त्रास झाला तुम्हाला? काय अरे हां, आणि मध्यंतर तू क्रिकेट मैदानावर आला होता पण त्या लोकांनी मला भेट दिली नाही तुझी, कळलं ना? अरे आमचं खूप नुकसान झालं, तर जास्तीत जास्त मदत करता येईल तेवढे बोल बाबा। मी आमच्या अविनाश जाधव यांना सांगितलं आहे, भरपूर वगैरे पण आहेत तिथे सगळेजण, ते सर्व प्रकारची मदत करतील आपल्याला, काळजी करू नका। आपली तब्येत वगैरे सगळं ठीक आहे ना? हो ठीक आहे। कुंदाताई काय म्हणतात? आई बरी आहे। बरी आहे। तू ये ना एकदा मला भेटायला, नक्की प्रॉमिस। सुमन 1991 में स्कूल से रिटायर हो गई थी। सुमन ने दादर स्थित बालमोहन विद्यालय में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को विज्ञान और गणित जैसे विषय पढ़ाए थे। उन्होंने एनसीपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल को भी स्कूल में शिक्षा दी थी। सुमन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उनके आश्रम को दोबारा रहने योग्य बनवाने का आग्रह किया था। ऐसी ही गुजारिश उन्होंने राज ठाकरे और जयंत पाटिल से भी की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि आश्रम में 25 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वसई के इस वृद्धा आश्रम को अब सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। एक एनजीओ चलाने वाले रामचंद्र दलवी ने भी इस वृद्धा आश्रम का मुआयना किया और सुमन को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई। आणि काल जेव्हा आम्ही HP न्यूजवर पाहिलं त्यांचं अपील, ती एका टीचरनी अपील केलेलं पाहिलं, तेव्हा आम्हालाही काळजाला ते भिडलं। म्हणून आम्ही आज सकाळी तुरंत येऊन इकडे विचार केला की आपण हे पाहणी करून त्यांना सगळे रस्ते मदत करावी आम्ही केली। लोकांनाही आम्ही अपील करतो की एक लोकांनी खरंच या वृद्धाश्रमाची वाईट अवस्था या वादळामुळे झालेली, तर लोकांनी यांना मदत करावी। आम्ही 1.5 लाखाची मदत केली आहे। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही इस वृद्धा आश्रम को पूरी तरह से दुरुस्त करने और हर संभव मदद करने में जुट गए हैं। इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी अब अपने अपने पार्टी चीफ के आदेश पर लगातार सभी आवश्यक खाने पीने की चीजें और अन्य राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। साहेबांनी मला तसे आदेश दिले होते की त्यांना आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट तुम्ही तिथे त्यांना पोहोचवा, आणि आज सकाळी आमच्या विद्यार्थी सेनाकडनं त्यांना सर्व सामान तर आलेलंच आहे, पण त्याच्यासोबत मला असं वाटतं की हे काम, ह्याची दुर्दशा पाहिल्यानंतर हे 4 दिवसात संपणारं काम नाही आहे। सो यांची आत्ता पूर्ण राहायची व्यवस्था आम्ही एका वेगळ्या हॉलला करत आहोत, आणि पुढील 4-5 दिवस त्यांची ही संपूर्ण जागा व्यवस्थित होईपर्यंत आम्ही त्यांना त्या हॉलमध्ये शिफ्ट करून त्यांची उत्तम राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करत आहोत।